जहां एक ओर जिला प्रशासन कोरोना से लड़ने के लिए कटिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन किया जा रहा है और ना ही अंगूठा लगाने के बाद सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला इंदौर स्थित शासकीय प्राथमिक उचित मूल्य की दुकान रमानंद नगर वार्ड क्रमांक 2 की दुकान पर देखने को मिला है, जहां दुकानदार ना तो सैनिटाइजर का उपयोग कर रहा है और ना ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहा है। भीड़ लगाकर राशन वितरण करने के कारण यहां बनी बस्ती में कोरोना वायरस फैलने की संभावना बनी हुई है। जब दुकानदार से हमारे संवाददाता ने बात की तो उसने प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। जो भी सुविधाएँ हैं वो हमने हमारे स्तर पर ही की है। इस और इंदौर जिला प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। इनकी ओर से किस तरह के निर्देश दिए गए हैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और आपकी सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ें आपको प्रशासन की ओर से मिली है? अभी सिक्योरिटी का रुकना भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जी और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की जो व्यवस्था है आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं अपने आप? दगोले बना दिए, बाकी वो लोग खड़े नहीं रहते, वो मानना मुश्किल रहता है। अच्छा, तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं इस विषय में? जैसे कोरोना काल में इस तरह से भीड़ हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर पा रहे हैं लोग, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? तो चाहते हैं प्रशासन भी हमारे सहयोग करें व्यवस्था में। आपके अधिकारियों से क्या चाहते हो आप? अधिकारियों से चाहते हैं कि हमारी ये जो ये व्यवस्था है अंगूठे की वाली, ये व्यवस्था बंद कर। अच्छा, आप जो मशीन में बार बार अंगूठा लगवाते हैं उसको सैनिटाइज करते हैं बार बार? करते हैं ना, वो करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।